हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी हम लोग ईवीएस का एमपी डिस्कस करते हैं। सुबह सुबह आए हो, तुम्हारे लिए 7 बजे है, क्लास खाली है, फिर बच्चे भी आएंगे तो वो डिस्कस करता हूँ क्या आएगा कैसा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो जो मुंबई मैप और कोंकण मैप है, अभी मैं एक्सप्लेन कराने वाला, लास्ट में सब लिख दिया हूँ। और ये 4 क्वेश्चन पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, टाइप्स ऑफ वेस्ट, रोल ऑफ सिटीजन, कैसे वेस्ट को मैनेज करता है, सॉलिड सॉलिड वेस्ट से क्या नुकसान होता है, इफेक्ट्स, और एफर्ट्स टेकन बाय एमसीजीएम मतलब बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। राइट, अभी ना आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये आंसर तुम लोग ज्वाइंट कर सकते हो। ठीक है, इधर का आंसर, इधर इधर का आंसर, इधर वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये आंसर तुमको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो मॉड्यूल 2 है, हंगर आंदो या माल न्यूट्रिशन आंदो या फूड सिक्योरिटी, तीनों में एक ही आंसर पढ़ लेना। ठीक है, हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीटेशन, दोनों में आए, एक ही अंदर पड़ो, दोनों में घुमा दो। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा दिया एक्सप्लेन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, तो ये टॉपिक कितना पढ़ना है तुमको, मेन बात तो तुम्हारे लिए मैंने पूरा बुक एक्सप्लेन करा दिया हो एकदम सिंपल तरीके से, प्लेलिस्ट में चेक कर लेगा तो एकदम आसान पड़ जाएगा, सुनते रहो आते रहेगा। ठीक है, और टूरिज्म सबसे ईजी है, पहले यही से स्टार्ट करना है तुमको। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, क्लासिफिकेशन, टाइपोलॉजी, सब एक ही मतलब है। टूरिज्म का इम्पैक्ट पड़ना इकोनॉमी पे, इको टूरिज्म, बजरगी भाईजान, मैंने समझा दिया हो, देख लेना वीडियो में। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है, तो ये 4 आंसर पढ़ो, 2 कंफर्म मिलेंगे। और लास्ट चैप्टर चिपको मूवमेंट, नर्मदा मूवमेंट, दोनों में से एक आने का चांस है। अब इधर ध्यान देना है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट नीड या असेसमेंट, जहाँ एनवायरमेंट मैनेजमेंट दिखा या एनवायरमेंट एक्ट दिखा, है ना, और ISO 14000 है ना, तो ISO में तुमको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसका रूल लिखना है, फिर ये वाला आंसर इधर ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पढ़ना है, एक ही पढ़ना है ये वाला आंसर, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, पर ISO का मीनिंग अच्छे से तुमको बनाना पड़ेगा, वो अभी एक्सप्लेन करा दूंगा, हो जाएगा। और GST, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, कैसे एनवायरमेंट में काम आता है, तो एक ये वाला टॉपिक, मतलब पढ़ना 3 ही आंसर, 3 से ये आंसर इधर घुमा सकते हैं। कैसे, जब मैं एक्सप्लेन कराऊंगा तुम लोग देख लेंगे वीडियो में। ठीक है, मॉड्यूल 4 में, और ये तुम्हारा मैप से, राइट, मुंबई मैप, कोंकण मैप, 10 मार्क के लिए ये आने वाला है, 10 मार्क के लिए, इसका अलग से वीडियो बनेगा, इसका अलग से वीडियो है, चेक कर लेना। ठीक है, तो मुंबई मैप में क्या आएगा, तुलसी, विरार लेक किधर है, फेमस बीच, जू, महालक्ष्मी, हाजी अली, माउंट मेरी चर्च, पिलग्रिमेज सेंटर है, नेचर पार्क, संजय गांधी, स्लम एरिया, धारावी, पॉल्यूटेड रिवर, मिट्टी नदी, डंपिंग ग्राउंड, गवंडी गुलदस्ता, वेजिटेबल फ्रूट मार्केट है ना, बाइकल्ला, क्रॉफर्ड मार्केट, एलिफेंट आइलैंड, क्रीक, वाशी किधर है ना, थानेगिरी, केयर टेकर ट्यूशन चेंबूर, ये अपना ट्यूशन का नाम है। ठीक है, ये अपन चेंबूर में है ना, अपना तभी आएगा नहीं, बस ऐसे बता दिया। ओके, और कन्हेरी केव्स, तो ये मुंबई मैप है तुम्हारा, और कोंकण मैप में ये सब पढ़ना है, पालघर डिस्ट्रिक्ट किधर है, टिक मार्क करना है, सब समझा दूंगा। तारापुर हिल्स थर्मल स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रायगढ़, हॉट स्प्रिंग, फोर्ट इन रायगढ़, फोर्ट इन सिंधुदुर्ग हिल स्टेशन, सिंधुदुर्ग का बीच किधर है, उधर बीच किधर है, अलीबाग, जयगढ़, बोरगढ़, अम्बली घाट, तो ये कोंकण मैप है, ये भी तुमको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत है, एकदम प्यार से तुम्हारे लिए बना दिया है, बस रिवाइज करो, मेहनत करो। पेपर भरना है तुमको, हर एक पेपर 2 पेज लिख देंगे, 1.5 पेज, 8 आंसर लिखना है, मतलब 16 पेज का खेल है, और 2 पेज मैप का, 18 पेज लिख के सीधा घर पे आ जाने का। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।